अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उसमें काफी लोग मुख्तलिफ शोबा इजाद से, खासकर लेबर क्लास लोग जो हैं वो परेशानियों का शिकार हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारी जो डिबेट रहेगी वो खासकर इसी मुद्दे पे। और मैं वाजिया करना चाहूँ कि आज मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज मुजफ्फर खान, फार्मर जज और एनसी लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है। मुजफ्फर साहब खैर मकदम है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुजफ्फर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब सुना, पहले आवाज नहीं आई। नाज़रीन मुजफ्फर खान साहब फार्मर जज हैं और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। तो मुजफ्फर साहब खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब। मोहम्मद इब्राहिम साहब चेयरमैन हैं टूरिज्म एसोसिएशन के। इब्राहिम साहब का भी खैर मकदम करते हैं। इब्राहिम साहब आपका भी खैर मकदम है आज के प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ इकबाल लोन सीईओ केएफओआरडी ऑर्गेनाइजेशन एक्स चेयरमैन है, डिसेबिलिटीज के चेयरमैन है सीआरसी के, गवर्नमेंट इंडिया आरसीआई ई के भी। तो इकबाल साहब आपका भी खैर मकदम है, शुक्रिया। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे जो खासकर ब्यूरो चीफ श्रीनगर ने जो हमारी बात की आज डायरेक्टर साहब से, तो हम सबसे पहले वो कैप्सूल चलाएंगे, उसके बाद फिर उसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए आरएनए के साथ। दे आर कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर आप देखेंगे एक्ट में ये प्रॉपरली डिफाइंड है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ है अगर आप कहोगे वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर आता है जी। जैसे मतलब नॉर्मली कहता है कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर शायद हो गया, शायद मिस्त्री, कारपेंटर वगैरह, बट जो ब्लैक स्मिथ है वो है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन जी, लाइकवाइज देयर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन कि हु आर एक्चुअली द कंस्ट्रक्शन वर्कर। दे आर रजिस्टर्ड विद द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अंडर द एक्ट जी, ठीक है। तो वहां पर उनको फिर लेबर वेलफेयर स्कीम दे रहे हैं। लेबर वेलफेयर स्कीम में क्या होता है, जो पैसा इसका आता है वी रिसीव दिस फंड फ्रॉम सेस जी, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उस पर सेस लगता है 1%, 1% टू 2% सेस लगता है। बिल्कुल, वो जो पैसा हमारे पास जमा होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबरर्स। बट मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही नहीं हैं जो कोविड से इफेक्ट हुए हैं और उनको आपने दे दिया 3.5 लाख। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास वर्कर जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं जी। वन इज अ वर्कर हु इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड, दैट मींस ही इज वर्किंग इन सम एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री एंड अदर्स, राइट, ठीक है। अदर इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जी, ठीक है। दो वी हैव टू गो एज पर द एक्ट एंड रूल सर। अंडर द एक्ट जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट जो होता है, उस एक्ट के तहत हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर जो डेफिनेशन दिया कि whom we have to register, ठीक है। सही बात। और जो सेस आता है वो आता भी है उसी ये भी शिकायतें हैं कि बहुत सारे ये कह रहे हैं कि आप 1,000 दे रहे हैं उनको, 1,000 में तो सिर्फ गैस सिलेंडर भी नहीं आता आजकल, तो कैसे गुजारा होगा? वो अलग बात है। दिस इज जस्ट अ रिलीफ एज ऑफ नाउ, रिलीफ की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें जो हम इस वक्त नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर उसको जो स्कीम है जी, जो मैं डिफाइंड स्कीम है, उस स्कीम के तहत हम उनकी बेसिकली बच्चों की एजुकेशन होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है, खुदा ना करे कोई मर जाता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल प्रोसेस। मैं पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ। कोविड, 2 साल से कोविड चल रहा है, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं। क्या आपके पास कोई डेटा है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो जॉबलेस हुए हैं?
देखिए दो चीजें होती है, जो कोविड की वजह से जो भी वर्कर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है जिनका एम्प्लॉयमेंट छीन गया है, जी उसमें दो तरीके हैं, या तो वो हमारे पास आकर हमारे पास हम कहेंगे कि हम इस तरह हो गया है ताकि हम आईडी एक्ट में इसका हम करेंगे, ठीक है आईडी एक्ट में, अब जो आएगा वही तो हम ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सर्वे करें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार छिन गया हो और वो बेकार घरों में बैठे हुए हैं। बेसिकली लास्ट टाइम आपको अगर याद होगा, लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था तो मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई थी एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल दोज पर्सन्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब टू रजिस्टर ऑन द वेब लिंक। सही, तो उस पर कोई 5-6 हजार उस वक्त रजिस्टर हुए थे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि कुछ लोगों ने ऐसे ही रजिस्टर भी किया है, हो सकता है ये आप मतलब उस वक्त एसर्टेन नहीं कर सकते कि ये सचमुच वो आदमी है जिसने इसमें रजिस्टर किया है, क्या ये सच बोल रहा है। देयर आर पर्सन हु आर वर्किंग आउटसाइड द स्टेट, वर्किंग आउटसाइड द जम्मू कश्मीर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। So after जब कोविड हुआ है, so many people have been brought back by these Shambhavi trainers, ठीक है, ट्रेनर्स के जरिए से वापस भी लाया गया और यहाँ से भी काफी सारे लोगों को ट्रेनर्स के जरिए से वापस भी भेजा गया, ठीक। So on the basis of that technology हमने उस वक्त कहा है कि those who have come back, टूरिज्म सेक्टर हमारा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा है, जो इफेक्ट ज्यादा हुए हैं क्या इनके लिए कोई स्कीम्स आपके पास है जो इफेक्ट में है, वो फॉर एग्जांपल जी हमारे पास देखो जैसे कि इतने सारे जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हुए वो तो सब हुए, बट द स्कीम विच इज बीइंग गिवन इज बेसिकली बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है, जी इट इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट द स्कीम इज बीइंग रन बाय द लेबर। अच्छा, अदरवाइज इट इज टू बी रन बाय द बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन board. See. They have to appoint the old persons वगैरह, this is a separate story. बिल्कुल. So, but as लोग देखिए, actually question is something different. See. आप मेरी सलाह करिए। Last time की reaction last time की good number of construction workers registered with the Bureau of Construction Services. See. We have also seen that so many construction workers, basically every construction worker every year has to provide an employment certificate of 90 days. Sir. See, number one. Number two, he has to deposit fee of renewal fee of 120 rupees per annum. Theek. It can be monthly also at the rate of 10 rupees. Theek. So we have seen ki there are so many construction workers who have not come for the renewal of their registration. Theek. Reason is maybe COVID, whatever. Bilkul. Nahi, not COVID. Kuch bhi. Basically, last time it is because before that. अच्छा, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट कम फॉर द रिन्यूअल ऑफ द इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ही इज ट्रीटेड एज एक्टिव वर्कर फॉर कंटीन्यूअस वन ईयर। अच्छा, इज प्रीवियस एक्सपायरी ऑफ द रिन्यूअल। सही, उसके बाद उसको एक साल का ग्रेस पीरियड होता है टिल देन ही इज ट्रीटेड एज एक्टिव वर्कर। अच्छा, बट इवन दो इफ आफ्टर लैप्स ऑफ वन ईयर इफ ही डजंट कम फॉरवर्ड फॉर द रिन्यूअल then he is inactive. आपके शॉपकीपर्स भी हैं
हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है लेबर डिपार्टमेंट में, वो तो दैट इज बेसिकली ट्रेड जो बेसिकली संटेल आसन होती है, वो जो हमें फिर बाकी जो एक्ट में है वो उसमें वेलफेयर का कोई मामला नहीं है। जैसे कि किसी जगह हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर रिकॉर्ड है, फिर उनका मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है, फिर उनका बोनस एक्ट लगता है, फिर उसके बाकी सारी जो एक्ट है उन पर जो एप्लीकेबल हो जाते हैं उस एस्टैब्लिशमेंट पर। अब तो सब कुछ ठप पड़ा है, तो कैसे कैसे वो गुजार कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए वो तो मेरा काम नहीं है ना, और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। बिल्कुल, क्या ऐसा कुछ इरादा आपका है कि फिलहाल वो वेवर के लिए आप कुछ गवर्नमेंट को लिखें जनरल? अभी तो बेसिकली जहन में है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं वो सिचुएशन क्या ऐसी रहेगी। अभी तो 10-15 दिन महीना ही हो गया ऐसा, तो सचमुच है अफेक्टेड है, प्रॉब्लम है इस वक्त जनरल ओवरऑल प्रॉब्लम है, कोई शक नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड सर, एवरीबॉडी वी आर आल्सो मतलब ह्यूमन फ्रॉम द सेम सोसाइटी के, हम भी एक बिल्कुल जुज है, जनरल प्रॉब्लम है तो सब लोगों को तो है, बट जो उसके लिए स्कीम बाकी चीज है दैट इज डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात, कमिश्नर साहब आपने आरएनए के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आपने सुना कि आरएनए के ब्यूरो चीफ की जो बातचीत थी कमिश्नर साहब के साथ, और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं उन पर भी हम आज मजीद जो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आऊंगा। लेबर कमिश्नर कहते हैं कि रिलीफ हमारा काम नहीं, तो फिर किसका काम है? मुजफ्फर साहब, रिलीफ जाहिर सी बात है जो लेबर कमिश्नर साहब हैं वो एक्ट के दायरे के अंदर रहकर ही रिलीफ दे सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। और ये जो पेंडेमिक है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें अगर आप ये तो नहीं जी, बेसिकली जो लेबर कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसका ध्यान रख सकता है, वो भी जो उसके पास पहुंचेगा। इन हालात में आप ये अगर कहोगे कि भाई हर आदमी जो लेबर रजिस्टर्ड है या ऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ है, जो दूरदराज का इलाका है, दूरदराज क्या मैं कहता हूँ, जो मेट्रोज में भी हैं, जो हमारे जो हेडक्वार्टर है जम्मू और श्रीनगर के लोग भी, बहुत कम तादाद ऐसी होगी जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ होंगे। एक बहुत बड़ी तादाद लेबर की ऐसी तादाद है दिहाड़ीदारों की जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़े हुए नहीं है, और वो आज फाकाकशी के शिकार है। पेंडेमिक 2020 में आई, 2020 से पहले भी अगर आप देखेंगे 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में एक किस्म की लॉकडाउन ही रहा, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रही जिससे कि आम जो शहरी है उसका रोजगार निकलता था। यानी 5 अगस्त से लेकर आज तक हमारे यहाँ से एक किस्म का लॉकडाउन ही रहा है। बीच में जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी शुरू हुई 2-4 महीने के लिए, वो भी ना के बराबर थी, क्योंकि एक शटर्ड सिस्टम था। उस शटर्ड सिस्टम को जब आप रेल पटरी पर लाते लाते आपको एक साल की जरूरत थी, उससे पहले ये दूसरा हमला कोविड का हो गया। तो इसमें जो मैं आप इसमें आप कहोगे कि कोई सियासत है, मैं एक बासियत एक बाशौर शहरी के ही मैं एक चीज जो आपके तक पहुंचाना चाहता हूं और आपके जरिया लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आम जो लोग हैं, जो आम मजदूर तबका लोग हैं या इवन जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अब इस मतलब उनकी उनकी तवक्कात तो खत्म हो गई एडमिनिस्ट्रेशन से, एस्टेब्लिशमेंट से, अब वो अल्लाह के भरोसे पर बैठे हैं। बहुत सारे मैं आज सुबह ही न्यूज में मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि एक एसएसपी ने, रियासी के एसएसपी ने, पता नहीं कौन है वो, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन उसने एक बहुत जबरदस्त कारनामा किया कि जब कहीं उसको खबर लगी कि एक औरत है, उस औरत के खामन की डेथ हो गई है, वो औरत के बच्चे भूखे हैं, तो वो बच्ची
जो है उसने कहीं मीडिया सोशल मीडिया पर आया कि बच्ची ने कहा कि हमने पिछली रात को खाना खाया था, उसके बाद खाना खाने को नहीं मिला, तो उस एसएसपी ने उस एसएचओ अपने को भेज कर एक महीने का राशन उन तक पहुंचाया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। मैं मुबारक देता हूं वो जो भी एसएसपी है कि उसने इतनी इंसानियत के इस दर्द को पहचाना, दर्द दिल रखता है वो। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि जहां आज खाने के लिए लोगों के पास घर में राशन नहीं है, और इवन जो 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 लोग कोविड से इफेक्ट हुए हैं बहुत मायूसी है उनमें। आप उनसे अगर पूछोगे, हमारे जिस तरह रजौरी में, मैं आपको बताऊंगा, रजौरी में ये हालत है कि जो लोग इससे इफेक्ट हुए, जो बेचारे मारे गए, जिनके ब्रेड विनर्स जो थे वो मारे गए, अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। अगर फैमिली में कोई एक आदमी था कमाने वाला, वो तो मर गया, अगर उसके बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं, तो उसके लिए कोई सुविधा है नहीं, कोई फैसिलिटी है नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का नाम की कोई चीज है नहीं कि जिसके पास कोई जाए। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह के गवर्नमेंट जो है वो आइसोलेशन जोन में कहीं आईसीयू में पड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट आईसीयू में पड़ी है, और पब्लिक जो है बाहर वो उसका इंतजार कर रही है। तो हालत ये हो गई है कि भाई हम तो पिछले कम से कम 2.5-3 साल से एक लॉकडाउन में बंद है, तो उसमें जो 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 मध्यवस्त तबका जिसको कहते हैं, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, वो पिस गए हैं, वो कुचल गए हैं। उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि भाई गवर्नमेंट का कोई ध्यान भी इधर कभी गया होगा कि आखिर इन लोगों का क्या होगा। वो एक वास्ट मेजॉरिटी है, देखें जो अपर क्लास है वो बहुत कम तादाद है लोगों की, वो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में आते हैं। मेजॉरिटी जो लोगों की है वो मध्यवस्त तबका है, या बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको आप कहते हैं, और मिडिल क्लास जो है वो मेजॉरिटी है। जो आप अपर क्लास जिसको आप कहते हैं, अपर क्लास में तो एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी आती है, उसको तो शायद अभी इफेक्ट नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो वो मैनेज करते हैं। लेकिन जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी तो चटनी बन गई भाई, उनकी उनके लिए तो पेट के लाले पड़ गए हैं आज की डेट में, कि हम लोग अगर कोरोना से बच गए तो हम फाका कशी से मर जाएंगे। इकबाल लोन साहब, आप सोशल वेलफेयर से काफी नजदीक से जुड़े रहे हैं, कैसे आपको लगता है कि वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ। मेरा आपसे सवाल है इकबाल लोन साहब, आपसे सवाल है, आप सोशल वेलफेयर से काफी नजदीक से जुड़े रहे हैं, कैसे आपको लगता है कि वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, एग्जिस्टिंग जो अगर आप आज की डेट में देखेंगे कि काफी सारे स्कीम्स है जो लोगों तक, चाहे पेंशन की स्कीम हो या कोई भी, आप जितने भी वेलफेयर मेजर स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर के, और उसमें आप देखोगे तादाद खासकर पिछले 5-8 सालों से काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, और खासकर 2015-16 की मैं बात करूंगा, वो जो पेंशन स्कीम जो 250 रुपए से 1000 रुपए गई हुई है, काफी फ्लैगशिप सारी स्कीम्स हैं जिनमें काफी सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और वो लोगों तक पहुंच रहा है। बट जैसा आप पहले तज़किरा कर रहे थे, ये जो इवेंचुअलिटी, ये जो इस वक्त हालात है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस वक्त वो सब चीजें जो जैसे आप अगर आप देखेंगे आज की डेट में आपका 1.3 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो बीपीएल है, जेएनके का, ठीक। उस हिसाब से जो आपकी शरह है, यानी परसेंटेज जो है बीपीएल की, जिनको आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, वो 10.35 है, 10.35, जो नेशनल एवरेज है 2019 की नेशनल एवरेज, वो 6.97, अप्रोक्सीमेटली 7% है, विच इज अलार्मिंग व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो आप आज की डेट में ये कहेंगे कि आप सोशल वेलफेयर, यानी जो सरकार कर रही है, कितना कितनी सारी जो स्कीम्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो हालात है इस वक्त, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इनवोक है, तो हमारे पास
इस हालात में आप नॉर्मल स्कीम्स की बात करेंगे वो काफी मुश्किल होगा उन फिगर्स पे, मगर मैं आपको पिछले 2-3 सालों की बात कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 सालों की, 2017 से काफी लोगों को जोड़ा गया है, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है सोशल वेलफेयर के उनके साथ जोड़ा गया है। मगर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है जो जो खासकर जम्मू एंड कश्मीर में, आप देखेंगे कि कितने लोग हैं, किस परसेंटेज पे कितने लोग हैं जिनको वो स्कीम से बेनिफिट होता है, चाहे वो 1,000 रुपए ही महाना क्यों ना हो, या फॉस्टरशिप स्कीम है 2100 रुपए मिलता है, या अभी ये कमिश्नर साहब बात कर रहे थे एक एक्ट की, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको टास्क फोर्स बनाना होता है उस एक्ट के माध्यम से, ताकि जो लोग चाइल्ड लेबर में मुलवस होंगे उनको आप कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे। जो काफी सारी स्कीम्स है, मैं वापस कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता हूं, मगर अगर आप देखेंगे पिछले कई दहाइयों से ये जो वेलफेयर मेजर्स, ये जो स्कीम्स हैं, कई दहाइयों से, आज की बात नहीं है, और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप ये कहेंगे कि ये स्कीम्स बाकी जगहों पे है तो यहाँ, यहाँ पे भी वही स्कीम्स है जो राजस्थान, जो केरला में है, बट बदकिस्मती से यहाँ की जो गवर्नमेंट, अभी हम वॉलंटरी सेक्टर की बात करेंगे, आपके पास अभी FCRA 40 ऑर्गेनाइजेशंस के पास है जम्मू एंड कश्मीर, तो रिलीफ कहाँ से आएगा? आपके पास जो जो आपका एज अ स्टेट और एज अ यूनियन टेरिटरी जो अभी आप हो, उस हिसाब से आपने कितने ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की है कि ताकि वो इस वक्त जितने भी हमारे मुश्किलात हैं उनमें सपोर्ट करें। शायद ये जो सेक्टर है, ये खासकर सोशल वेलफेयर, अभी भी हम उसी मोड में है वेलफेयर और उस क्या कहते हैं उस मोड में, जहां पे हम ये सारी चीजें, अब ये दुनिया भर में राइट्स रिजीम बनी हुई है। अगर आप देखेंगे, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था काफी स्टेट्स में, चाहे महाराष्ट्र लेंगे या कोई और स्टेट लेंगे, वहां पे जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेलफेयर के लिए, या जितने भी राइट्स बेस्ड स्कीम्स हैं, उनको काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के बनस्बत। और ये पिछले 2 सालों की बात नहीं है, पिछले 10-15 सालों से हमने कभी तवज्जो नहीं दिया। और ये जो सोशल वेलफेयर की बात करेंगे, अभी भी हम उसी चैरिटेबल मोड में है, हम जी बड़ा कुछ बहुत सारा ये कुछ अपने आप को समझ रहे हैं कि हम किसी को 1,000 रुपए दे रहे हैं। वो राइट्स रिजीम है जो अभी भी हमारे इस रीजन में एक्सटेंड नहीं हुए है। काफी वजूहत हो सकते हैं, मगर मैं ये दोबारा कहूंगा कि कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी, कलेक्टिवली जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्रॉम लेजिस्लेशन तो जो सिविल सोसाइटी एक्टर्स हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स, कहीं ना कहीं ये फेल हुए आज। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूं और यहाँ कुछ रिलीफ मेजर्स एक्टिविटी कर रहा हूँ। जब मैं अपने स्टेट को देख रहा हूँ एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बैन नहीं लगाई है कि आप रिलीफ मत करो, मगर हमारे पास कितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास FCRA है। हमने इसको इतना स्टिग्मेटाइज किया है, इस सारे सेक्टर को इतना, मतलब हमारी इतनी श्रिंक स्पेस हो गई है कि ये सारा सेक्टर जो है एक छोटा सा मिनिस्क्यूअल सेक्टर बना हुआ है, हाईली इवॉल्वड है। इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आप ये देखें कि कितने लोग वॉलंटियरली, मैं हॉस्पिटल्स की बात करूंगा खासकर कश्मीर प्रोविंस में, आप देखेंगे वॉलंटियरली लोग आ रहे हैं, खाना, किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को कुछ चीज दे रहे हैं, दवाई जा रही है, बाकी सारी चीजें। देखिए, अगर आप इस रेस में अभी इस टाइम हम फंसेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, कलेक्टिवली हमें एज सिविल सोसाइटी, हम कब, ये देखिए यूरोप में कितने वॉलंटरी ग्रुप्स निकल के आए और सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी ज्यादा कैंपेन हो रही है अक्रॉस ग्लोब डिफरेंट नेटवर्क्स पे, चाहे मीडिया हाउस हो या चाहे जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कोविड रिस्पांस में। अगर हम एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली जम्मू एंड कश्मीर, और हमारा जो हमें करना चाहिए, मुझे लगता है उसमें काफी शिद्दत लानी है कलेक्टिवली हमें इस चीज, इस महामारी से निकलने के लिए, ये बजाय ये कि गवर्नमेंट पे हम ज्यादा मुनसर हो और ये कहें कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
एज ए सोसाइटी हमें खुद हम सबको निकल के इस सारी चीज को सपोर्ट करना है। रही बात सोशल वेलफेयर की, जिनके साथ मैं मुंसलिक था, सोशल वेलफेयर में काफी सारी चीजें, काफी सारी स्कीम्स ऐसी हैं जहां पे हर साल लोग ज्यादा जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पेंशन की बात करेंगे या किसी एक स्कीम की बात लेंगे, मैं तनकीद नहीं कर सकता हूं इसलिए क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कि हर साल कितना प्रेशर होता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, तहसील सोशल वेलफेयर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को या कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को कि अगर इस साल 3 लाख है अगले साल 1.5 लाख और जुड़ना चाहिए, और वो जुड़ रहे हैं। मगर मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि उन स्कीम्स के बजाय काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें एक सिविल सोसाइटी का रोल। बिल्कुल इकबाल साहब मैं आता हूं आपके पास। नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम सिया साहब भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इब्राहिम साहब के पास जाने से पहले एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, फिर उस पर हम बात करेंगे। इब्राहिम साहब, जैसे देखा कि आज शिकारा वालों को टूरिज्म की तरफ से कुछ इनको रिलीफ दिया गया, तो क्या आप समझते हैं टूरिज्म सेक्टर में काफी, टूरिज्म सेक्टर जो है ये भी काफी अफेक्टेड हुआ है? अगर चाहे आज डीसी श्रीनगर ने ये जो दिखाई है क्लिप, शिकारा वालों को फूड पैकेट्स दिए हैं, लेकिन क्या ये काफी है? देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखेंगे। देखिए ये जो आज पीसी साहब ने फूड पैकेट दिए हैं, मैं समझता हूँ ये एक सिर्फ एक पॉलिटिकल गेमिक्स है और कुछ नहीं है। ये तो हमेशा ये छोटा सा नाटक करते हैं। 2014 से टूरिज्म सेक्टर जो है वो इफेक्टेड है कश्मीर में, फिर 2019 5 अगस्त से तो टोटली इफेक्टेड है, फिर ये अचानक से ये कोविड आ गया, पेंडेमिक आ गया जिसने कमर तोड़ दिया टूरिज्म का। टूरिज्म खाली शिकारा वाला पोनी वाला ये नहीं है, वो बेचारे तो बिल्कुल टूटे हुए हैं। अब थोड़ा सा ये रिलीफ देके इन्होंने ये फूड पैकेट्स आज दिए तो उससे क्या होगा? पिछले 3 सालों से हम लोग सारे बैठे हैं, टूरिज्म सेक्टर जैसे कश्मीर में है ही नहीं। अगर आप टूरिज्म सेक्टर ले ले तो टूरिज्म सेक्टर खाली शिकारा वाला और खाली पोनी वाला नहीं है, टूरिज्म सेक्टर इज ए बिग सेक्टर जहाँ होटेलियर है, हाउस बोट वाला है, ट्रैवल ट्रेड है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी गवर्नमेंट ने आज तक स्कीम्स निकाले उन्होंने ट्रैवल ट्रेड को तो बुला ही डाला है। जैसे 25-30 लाख लोग इससे मुनव्वज़ है, उससे भी ज्यादा फैमिलीज है, उनको बुला ही डाला है कि क्या ये भी लोग इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? कोई भी रिलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। और आपको मालूम है कश्मीर वैली में, कश्मीरी नहीं जम्मू कश्मीर की मैं पूरी बात कर रहा हूँ, अगर कभी भी कुछ होता है तो टूरिज्म सेक्टर सबसे पहले हिट होता है। तो गवर्नमेंट ने तो आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं इकबाल लोन साहब से एक चीज एग्री करता हूँ, सिविल सोसाइटी को भी काम करना चाहिए, लेकिन सर मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा जब सिविल सोसाइटी पूरी मरी हुई है तो क्या काम करेंगे? गवर्नमेंट ने उनके साथ कोई व्यवहार नहीं, कुछ भी नहीं। आज देखिए, आज एक एडवाइजर साहब ने वहां सोपोर में बोला वैक्सीनेशन कि कोई कमी नहीं है, जबकि कहीं वैक्सीनेशन नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, टूरिज्म सेक्टर जो है टोटल बैठा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर एक टूरिज्म सेक्टर के कितने मुलाजिम इस वक्त बेघर बेरोजगार हो गए हैं, उनका रोजगार छिन गया है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं गॉड नोज एंड द फैमिली नोज हाउ दे आर सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। अगर आप देखेंगे 2014 से जब से फ्लड आया कश्मीर में, तब से टूरिज्म ट्रेड को गवर्नमेंट ने बुला ही डाला। एवरी सेक्टर हैज बीन गिवन सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, लेकिन टूरिज्म सेक्टर ट्रैवल ट्रेड को तो कुछ भी नहीं दिया गया। इसमें हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। टूरिज्म सेक्टर ये हमेशा बोलते हैं टूरिज्म सेक्टर तो, और फिर दिखावे के लिए 2-4 शिकारे वालों को फूड दिया है। अगर आप खुद भी देखेंगे कितने शिकारे वाले, कितने ऐसे लोग हैं, कितने हाउस बोट वाले ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया, कितने होटेलियर्स होंगे जिन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला, कितने ट्रैवल ट्रेड ऑफिस है जो बंद हो गए।
जिनके पास बेचारों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट ने तो हमें सारा बुला ही डाला। ट्रेवल ट्रेड या टूरिज्म को तो ये टूरिज्म के नाम पे तो ये एक मजाक जैसा हो गया है। मैं कहता हूं कि टूरिज्म सेक्टर को नॉट ओनली एट स्टेट लेवल बट सेंट्रल लेवल पे भी कोई बात ही नहीं हो रही है। अब चलिए हम सेंटर पे तो बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन अपने जम्मू एंड कश्मीर में तो कभी कोई बात ही नहीं हो रही। आप जम्मू की बात लीजिए, आप श्रीनगर की बात लीजिए, किसी से भी बात कीजिए जो टूरिज्म से रिलेटेड हो, वो आपको बताएंगे यस दिस इज ट्रू। हमें तो बुला डाला है जैसे हम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। लेबर कमिश्नर कह रहे हैं कि कोई सर्वे भी नहीं किया है, कैसे पता चलेगा कि कितने जॉबलेस हो गए हैं आपके ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, टूरिज्म, होटलियर्स, कहां कहां से नहीं है? सर्वे का कोई पता ही नहीं है, कोई अंदाजा ही नहीं है, तो कैसे लोगों तक रसाई जो होगी? लेकिन जी पहली बात तो ये है ख्वाजा साहब कि जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए सरकार को एक जनरल मोरेटोरियम रखना चाहिए कि भाई उनके फिलहाल किस्तें ना ली जाएं और उन पर इंटरेस्ट ना लगाया जाए लोन पे। वो गवर्नमेंट को एक जनरल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। किसी को एक दिन का खाना दे देने से मुझे नहीं लगता है कि ये उस मुश्किल का, उस प्रॉब्लम की सलूशन है। ठीक है, आप खाना देते हैं एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए, ये इंसान का जो स्टामिक है, पेट है ना, ये दिन में 3 बार खाना मांगता है, 3 बार उनको खाना कौन देगा? और जो लोग, जिस तरह इन्होंने फरमाया इब्राहिम साहब ने कि टूरिज्म सेक्टर तो कोलैप्स हो गया, उनकी तो बैकबोन ही टूट गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब टूरिज्म सेक्टर के साथ बहुत सारे जुड़े अलाइड जो पेशे हैं, भाई टूरिज्म सेक्टर इज नॉट ओनली द होटलियर्स आदि शिकारा वाला, टूरिज्म सेक्टर के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट्स के लोग जुड़े हैं, आपके जो टूरिज्म के सेंटर्स हैं वो जुड़े हैं, आपके जो काम करने वाले हैं होटल के अंदर, जो मजदूर तबका लोग हैं, बहुत सारे, बहुत तादाद है लोगों की जो जुड़ी हुई है। और हमारे जो, हमारा एरिया है, जिस तरह पुंछ रजौरी हो गया, तो पुंछ रजौरी में टूरिज्म को इतना बड़ा बड़ा सेक्टर नहीं है जो काउंटर किया जा सकता है, विच कैन बी रेकन्ड एज वन ऑफ द सेक्टर। लेकिन वहां एक अपनी किस्म की रोजगार का जो लोगों ने जरिया निकाला हुआ है, ट्रांसपोर्ट के जरिया है, जिम्मेदारी है, फिर वहां जो मेजॉरिटी ऑफ देम इज लेबर क्लास, जो लोग दिन को मजदूरी करते हैं, किसी बिल्डिंग बनती है, रोड बनती है, और शाम को बच्चों को वो खाना खिलाते हैं। वो ज्यादा तादाद हमारे एरिया में वही है, उन लोगों की है। वो लोग बिल्कुल कलेप्स हो गए, क्योंकि उनका तो मतलब आप समझ लो को हैंड टू माउथ वो लोग जीते हैं। उनके पास तो कोई ऐसा इतना पैसा होता नहीं कि वो जखीरा करें, जो मजदूर तबका लोग हैं। और फिर जो ड्राइवर तबका लोग हैं, ये ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं वहां, एक और ये भी एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है कि भाई छोटी गाड़ियां, जिस तरह सोमो हो गई, वैंस हो गई, छोटी गाड़ियां हो गई, ऑटो ड्राइवर्स हो गए। तो हमारा जो इलाका है वो मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस पर डिपेंडेंट है। अब वो लोग जो हैं उन्होंने हर आदमी को, आप अगर हर दूसरे आदमी को क्या कि मैं कहता हूँ कोई भी रजौरी पुंछ का आदमी जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने कैश दे के गाड़ी खरीदी है तो खड़ी कर दी है तो चलो कम से कम मुझे इंटरेस्ट तो नहीं चढ़ रहा है। हर आदमी ने गाड़ी जो है वो लोन पे खरीदी है बैंक से। बैंक को गवर्नमेंट ने इतनी तकलीफ भी नहीं की कि आप ये लोग पिछले 3 सालों से अपना कारोबार ठप करके बैठे हैं, कम से कम आप इनसे इंस्टॉलमेंट मत मांगो और इन पर इंटरेस्ट मत लगाओ। उनका इंटरेस्ट चढ़ रहा है, वो अब कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ के जिसकी गाड़ी 5 लाख की थी वो 15 लाख की हो गई होगी पिछले 3 सालों में। और वो बेचारा अब इसी में एक ज़हनी कोफत में है। इस वक्त आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, हमारे एरिया में भी, कश्मीर वैली में भी, जम्मू में भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लोग अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि भाई हम, एक तो स्टारवेशन शुरू हो गई है, भुखमरी स्टार्ट होने वाली है, ऊपर से ये ज़हनी कोफत है कि भाई मैंने गाड़ी ली थी, अब मैं इसका कहां से दूंगा,
इंस्टॉलमेंट कहां से दूंगा, और ऊपर से बैंक इंटरेस्ट लगा रहा है, इंटरेस्ट कहां से दूंगा मैं, उसके लिए कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप, जिस तरह हमारे लोन साहब ने कहा कि सोशल वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, वो एक मतलब उसके लिए क्राइटेरिया है, 60 ईयर से अबव है तो उसको मिल रही है, हैंडीकैप्ड है कोई तो मिल रही है, कोई विडो है तो मिल रही है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी तादाद कवर नहीं हो पा रही। और इस तरह की और बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिन स्कीम्स को के बारे में अगर आप नॉर्मल हालात में, जिस तरह लोन साहब ने खुद ही फरमाया कि भाई नॉर्मल हालात के लिए वो स्कीम्स हैं, ये पेंडेमिक जो है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़े, तब जाकर आप लोगों का एतमाद भी जीतेंगे और तब जाकर इस डिस्ट्रेस से लोगों को आप निकालेंगे। अदरवाइज जो मुझे खदशा है कि कुछ तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे और कुछ लोग जहनी मरीज हो जाएंगे, जिस तरह ये वबा फैली है, एक आने वाली स्टेज ये आएगी कि जहनी मरीजों के लोगों की तादाद इतनी बड़ी हो जाएगी जितनी पेंडेमिक इस कोविड की नहीं थी, आज इतने लोग परेशान हैं। तो मेरे जो कहने का मकसद ये है कि आप बड़े लेवल पर, एट अ लार्जर लेवल, टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द टूरिज्म सेक्टर, टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द आर्टिसंस, ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर्स, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लेने हैं। आपको इमीडिएटली कर देना चाहिए था कि भाई फिलहाल कोई बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट डिमांड ना करे जिन्होंने लोन लिया है, उस पर आप अगर मोरेटोरियम नहीं लगाओगे इंटरेस्ट का, तो बैंक वालों ने तो इंटरेस्ट उनका तो बिजनेस है, बैंक वाले तो उन्होंने अपना बिजनेस देखना, उन्होंने थोड़ा देखना है कि पब्लिक को परेशानी है कि नहीं है, टूरिज्म सेक्टर को परेशानी है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर को परेशानी है, उन्होंने तो अपना बिजनेस देखना है। उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। दूसरा, जो लोग इस वक्त बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं, उसके लिए आपको थ्रू इधर थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और थ्रू एनी अदर एजेंसी, कम से कम उनको तीन वक्त का खाना खाने के लाले ना पड़े, आपको कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए था एट ए लार्जर लेवल, कि भाई हम उनको उनके अकाउंट में पैसे डलवाएंगे या उन तक किसी तरह राशन पहुंचाएंगे, मंथली फ्री राशन, वो भी नहीं दिया किसी ने। अब मैं आपको अपने एरिए की बात बता रहा। आज मुझे सुबह एक आदमी का फोन आया, बहुत ही गरीब आदमी है, कहता भाई हम तो मजदूरी करते थे, अब तो मजदूरी हमें कहीं मिल नहीं रही है, तो हमारे बच्चे तो भूखे हैं। मैंने कहा मैं जम्मू में बैठा हूँ, मैं वहां होता अपने राशन को जाता, मैं किसी से बात करता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसको कहूँ कि भाई उनको राशन पहुंचा दो, कम से कम 10 दिन का राशन तो पहुंचाओ। कहता जी मेरे बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे, हमें मजदूरी अब रही कोई नहीं, हम कहाँ जाएंगे। और हम लोग गए, उन्होंने कहा हम डीलर के पास, के राशन डीलर के पास, उन्होंने कहा जी आप अबव पॉवर्टी लाइन। तो अभी लोन साहब कह रहे थे कि बीपीएल वालों को जो राशन वगैरह मिलता है, उसमें भी एक बड़ा स्कैम ये है कि मेरा नाम भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो जनरल जो डिजर्व करते हैं उनको, उनका नाम आज भी बीपीएल में नहीं है, उनको राशन फ्री नहीं मिल रहा है। जो लोग ठीक ठाक हैं, जो कमा के खा सकते हैं या जिनके पास गुजारा है, उनका नाम तो है बीपीएल में, उनको राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन जो असल जो हकदार था उसको अभी भी नहीं मिल रहा है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हमारे सिस्टम की सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। उसमें हम किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते हैं कि सरकार को या किसी को, जितनी भी सरकारें रही हैं किसी ने भी इस पर निगरानी नहीं रखी कि जनरल लोग बीपीएल में आए, फ्री राशन उनको मिले जो लोग इसके हकदार हैं। हाँ, उससे जो बच जाए तो आप ठीक है, उससे थोड़े से ऊपर तबके को दे दो, लेकिन पहला हक बनता है जिसके बच्चे भूखे हैं, जिसके बच्चे इस काबिल नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास एक कोठा है कच्चा जहां वो रहता है। और हकीकत बताऊं, जिस आदमी ने आज मुझे फोन किया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आज भी जिस तरह हमारा कैटल शेड होता है उस तरह के शेड्स में वो लोग रहते हैं। मैं एक बार गया हूं उनके वहां उस इलाके में, मैंने उनको देखा है और मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा ये हमारे सिस्टम का एक फेलियर है कि हम उनको IAY की स्कीम में मकान नहीं दे सके। मैंने उनको पूछा वहां जाकर, भाई आपको वो एक IAY स्कीम आती है जिसमें मकान बना के देते हैं। कहा जी हमें वो भी कुछ कैटेगरी में नहीं रखा है, वो सर्वे लिस्ट में नहीं रखा है। मैंने कहा अगर आपको नहीं रखा है तो रखा किसको है।
ये एक सिस्टम की फेलियर है कि वहाँ जो लोग इसके साथ जुड़े होते हैं, वो ऑफिसर्स को भी पता नहीं होता, जो ऊपर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको भी पता नहीं होता बेचारे, लेकिन जो नीचे लेवल के ऑफिसर्स हैं, VLW हो गया या जो GRF हो गए, उन्होंने ज्यादती ये की है कि BPL में उनको रखा है जो लोग कमाने के भी लायक हैं, जो लोग अच्छे भले हैं, और जो डिजर्व करते हैं वो बड़े बाहर बैठे, उनको ना तो IAY की स्कीम में मकान मिला, ना राशन फ्री मिला। अब उस बंदे का मुझे ये बताओ कि उसके बच्चे तो वाकई भूख से बलकेंगे, मरेंगे, वो तो स्टार्वेशन के शिकार होंगे जब उसको मजदूरी नहीं है। उसके लिए सरकार ने कोई ऐसी स्कीम नहीं रखी है, अगर रखी भी है तो वो डिजर्विंग लोगों तक नहीं पहुंची। और जब तक के ये एक मेरा जो कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है कि भाई उन लोगों को सस्टेन करने के लिए जो लोग इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों को पाल सके, जिस तरह के वो रियासी का केस हुआ, इस तरह के लाखों की तादाद में आज की डेट में केसेस हैं, लेकिन वो मंजरेआम पर नहीं आए। इसका मतलब नहीं है कि भाई ऐसी सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन है लेकिन मंजरेआम पर नहीं आई, तो उसके लिए एक बड़ा फैसला कोई लेने की जरूरत है। बिल्कुल, मुजफ्फर साहब मैं आता हूँ आपके पास, इकबाल लोन साहब मैं आपके पास आऊंगा। वेलफेयर की बात आपने की, वेलफेयर की बात आप कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर, शॉपकीपर्स, मजदूर तबका, एक तो लोन और दूसरा कारोबार ठप, चलेगा कैसे आखिर, क्या बनेगा इस मुसीबत की घड़ी में, कौन इन लोगों का मसीहा बन के आएगा? देखिए, मैंने जब पहले भी आपसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आपने मुझे डायरेक्ट कहा कि आप सोशल वेलफेयर के मुतालिक ही बताएं। अभी ये जो महामारी है, ये जो कोविड का जो पूरा निज़ाम खासकर हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, इसमें नो डाउट काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चाहे अभी टूरिज्म की बात कर रहे थे इब्राहिम साहब या खान साहब, अभी बात कर रहे थे कि IAY या बाकी जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं, वो नो डाउट कि गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ करना है कि कहीं ऐसे लोग हैं जो शायद उस जुमरे में नहीं है या उन रजिस्ट्री में नहीं है, तो इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो ये है कि लोगों को बचाना है। मगर मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा, जैसे खान साहब अभी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टम में कलेक्टिवली वहाँ कोई ना कोई इसी जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिसर बैठा हुआ है। हम कब तक ये विक्टिमहुड मेंटेलिटी को लेके हमेशा कोसेंगे, हमेशा कहेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? हमने कब ये एहसास आपस में एक दफा लाना है कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और बताएं कि ये सब चीजें हो रही हैं, यहाँ पे आपको इन चीजों में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। मेरा एक छोटा सा नंबर एक ये पॉइंट था। नंबर दो, हाँ, ये जो हादसा हुआ है, ये जो इवेंचुअलिटी है, ये जो कोविड की सिचुएशन है, ये शायद इससे पहले ऐसी कोई महामारी, ऐसा कोई बड़ा पेंडेमिक नहीं था और गवर्नमेंट भी रेडी नहीं था इन सारी चीजों को लेके। ये हमारी बात नहीं है, यूरोप जिनके पास हमसे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ वाइज, जो उनका जो इकोनॉमिक पर कैपिटा है या उनकी जो खुशहाली है वो शायद हमसे बहुत ज्यादा है। उनका सिस्टमिक फेलियर देखिए आप। लेकिन मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा, कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ के इस पेंडेमिक करना है और उठना इस विक्टिमहुड से बाहर निकल के कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो शायद लोगों को बचाने की प्रायोरिटी है, किसी को खाना खिलाने की, किसी को दवाई देने की, किसी को और सपोर्ट करने की एक दूसरे से। इससे कोई फायदा नहीं निकलेगा कि सुबह से शाम तक हम आपकी चैनल पे आके ये कहेंगे कि फलानी DC साहब ने कुछ नहीं किया, फिस्तानी ने कुछ नहीं किया। हाँ, बल्कि हम एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ये कर सकते हैं, जितने भी असर सूख रखने वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट को गाइड करें, सपोर्ट करें, बताएं। देखिए, अगर सुबह से शाम तक आपकी चैनल में हम भी जितनी भी कोताहियां हैं गवर्नमेंट की सुबह से शाम तक वो बताएंगे, उससे कोई फायदा, कोई हल नहीं निकलने वाला है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए एज अ सोसाइटी कि उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही लोग हैं, ठीक। और इस महामारी में पॉलिटिक्स को छोड़ के वेलफेयर पे या कहीं ना कहीं उन लोगों
लोगों के पास पहुंचने की जरूरत है, उन उस सेक्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। जैसे इब्राहिम साहब कह रहे थे पहले कि टूरिज्म सेक्टर, नो डाउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारी जो पॉपुलेशन है J&K में वो मुनहसर है, डिपेंडेंट है ऑन टूरिज्म सेक्टर। इसमें इन्फ्यूजन की जरूरत है, मगर जब नॉर्मल हालात होंगे। इस वक्त टूरिज्म कैसे चलेगा? इस वक्त तो टूरिज्म की बात ही, इस वक्त प्रायोरिटी है कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। इस वक्त प्रायोरिटी वैक्सीनेशन है, इस वक्त प्रायोरिटी आपका जो आपकी हेल्थ सेक्टर में कोताही है वो प्रायोरिटी है। इस वक्त बिल्कुल इसी के साथ में ना, इसी के साथ टूरिज्म की बात आई है। मोहम्मद इब्राहिम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टूरिज्म फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, गुलमर्ग स्पोर्ट्स, तुलिप फेस्टिवल सब हो गए हैं, अब कुछ नहीं। क्या टूरिज्म की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके गवर्नमेंट को रिलीफ पैकेज के लिए अप्रोच नहीं कर सकते? हमने काफी अप्रोच किया, LG साहब के साथ भी अप्रोच किया, उनके एडवाइजर साहब से भी अप्रोच किया, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं लोन साहब से एक चीज एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो चाहे टूरिज्म है, टूरिज्म के साथ सारे लोग वाबस्ता हैं, इस वक्त उन्हें बचाने की जरूरत है। जैसे भी मुजफ्फर साहब ने कहा, लोन हमारे ऊपर लोन्स चल रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, हाउस बोट वाला, होटल वाला, ट्रैवल ट्रेड वाला हो, GST हमें बराबर लिया जा रहा है, हमारे जो अवकाफ के रेंट है वो डबल किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पूरे लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप इसको माली हेल्प ना कर सके तो कम से कम इन चीज़ों में रियायत करें, इंस्टॉलमेंट्स को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करवाएं, GST को रिलीव करवाएं, GST को थोड़ा सा पीछे कर दें, और अपने जितने भी ये बैंक लोन्स है इनको थोड़ा सा स्टॉप करवाएं, ताकि कुछ कुछ अवकाफ वालों से कहे कि रेंट जो आपने अचानक से डबल कर दिया है ये वक्त वो नहीं है, उसको रोके। और इन इन सब चीजों से इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो 5 अगस्त से जबकि कोई काम ही नहीं था तब से लिया जा रहा है, तो इन चीजों से थोड़ी बहुत राहत तो मिल सकती है। लेकिन साथ साथ उन घरों के लिए भी देखना है जिन्हें कुछ भी नहीं है, कोई समथिंग शुड बी देयर फॉर दोस पीपल जो ट्रैवल ट्रेड से वाबस्ता रखते हैं या किसी भी ट्रेड से टूरिज्म के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, उनके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से करे तो उनके लिए भी एक बहुत फायदा हो सकता है। काफी लोग इससे बच सकते हैं, काफी लोगों को एक रिलीफ मिल सकता है, एक राहत मिल सकती है, जो कि आज पूरे डिप्रेशन में गए हैं, पूरे ट्रेड गई है डिप्रेशन में कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है खुदा के अलावा। इसीलिए आज जो वैक्सीन की बात अभी लोन साहब ने कही, आज पूरे कश्मीर में वैक्सीनेशन कहीं नहीं है, यहाँ से गवर्नमेंट कहती है वैक्सीनेशन का कोई मसला ही नहीं है, कोई शॉर्टेज ही नहीं है, जबकि आज यहाँ कहीं वैक्सीनेशन है ही नहीं, कहीं पे वैक्सीनेशन मिल ही नहीं रहा, तो वैक्सीनेशन कहां से करें? हाँ नजीन, आज तो एक नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, नेटवर्क की वजह से जैसे हमारे वापस कर सकती है, जैसे लोन्स को स्टॉप कर सकती है, तो काफी रिलीफ इन चीजों से मिल सकता है। वरना अगर ऐसे ही रहा तो काफी लोग बिना कोविड के भी मर जाएंगे, कोविड तो मारता ही है लोगों को, इसके बावजूद वो डिप्रेशन से मर जाएंगे। जब एक बेचारे को अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं होगा, कोई सर्वाइव नहीं, यहाँ से उसको बैंक फोर्स कर रहा है, यहाँ से GST वाले फोर्स कर रहे हैं, यहाँ से ऑफिस रेंट वाले फोर्स कर रहे हैं, तो वो तो ये तो वो आत्महत्या वाली बात हो गई, तो उसमें फिर कोई उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो मैं आपके वजह से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ताकि इनके ऊपर एक नजर सानी करे। मुजफ्फर साहब ने जैसे बिल्कुल सही फरमाया, एक लोन को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए या स्टॉप कर दिया जाए कुछ महीनों के लिए, जब तक ये पैंडेमिक थोड़ा सा ठंडा हो जाए। एक बार टूरिज्म वापस चलता है तो सारे लोग अपने रोजगार पे वापस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कमा ही लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती है, क्योंकि कुछ लोग एक दो महीने ये चलता है फिर से ये इसमें गवर्नमेंट की भी मैं समझता हूँ काफी कोताही है। एकदम से जब कोविड चल रहा था इन्होंने वो टूलिप फेस्टिवल करके इतने लोगों को वहां जमा कर दिया, वो भी एक जरिया है JK में, मतलब कश्मीर वैली में स्पेशली कोविड को फैलाने का। फिर उन्होंने वो इतना शोशा करके वो गुलमर्ग फेस्टिवल कर दिया,
लेकिन उन वो सारे फेस्टिवल करने के फायदे तभी होते जब आपके लोग सब ठीक है, जब लोग ही नहीं ठीक है, आप खाली दुनिया को दिखा रहे हम ये कर रहे वो कर रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ मैं मुजफ्फर साहब के पास आऊंगा, मुजफ्फर साहब के पास आऊंगा। मुजफ्फर साहब, पीएम किसान स्कीम रिलीफ जो है जिम्मेदार को मजदूर को नहीं, क्या कहेंगे? जमींदार को भी जो वो एक अच्छी स्कीम है, वो बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें बाद में कुछ इन्होंने ऐड किया है, अमाउंट ऐड किया है, वो तकरीबन 10-15 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जो जमींदार को कोई पैसा पहले कम मिलता था, अब थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन जो आम इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिछले एक साल में कोई एक बार उन्होंने कोई मेरे ख्याल 2-4 हजार रुपया डाला है, वो भी उन्होंने बंद करके रखा था पेंडेमिक में, वो भी बंद हो गया। जमींदार को आप देते हैं, ठीक है भाई, अपनी जमीन के लिए वो ताकि खाद वगैरह खरीद सके, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कितने लोगों को कैटर कर रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है, वो क्या वो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी, जो पॉपुलेशन सफरर्स है, जो खासकर और नीडी लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को कैटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उस सवाल वो है। जिसके पास जमीन नहीं है वो ज्यादा जरूरतमंद है आज की तारीख, हो सकता है नॉर्मल हालात में वो इतना जरूरतमंद ना हो, लेकिन आज की तारीख में जब उसके लिए कोई जरिया माश है नहीं, तो वो एक बड़ा, उसके लिए एक सबसे बड़ा जो मसला है वो बच्चों का पेट पालना और अपना पेट पालना है। मुझे नहीं लगता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह हमारे लोन साहब ने कहा कि भाई इस वक्त उनकी जिंदगी बचानी है, अब जिंदगी बचाने के लिए हॉस्पिटल है, सिविल सोसाइटी, जो लोग मिडिल क्लास भी क्रश हो गई है, अब एक ही क्लास बचती है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास बचती है। अगर वो लोग थोड़ा सा इन लोगों का ध्यान रखें, खासकर ये जो लोग अगर पड़ोस में किसी के इलाके में इनको पता है कि भाई ये आदमी लेबर क्लास था, ये रेडी लगा के दिन को बच्चों को पालता था, तो कोई जो उनका कोई एनजीओ या कोई सिविल सोसाइटी की कमेटी बन के उन तक अगर कोई मदद पहुंचा सकते हैं कलेक्टिवली, वी हैव टू फाइट दिस नाउ, द एफ्टरमैथ ऑफ द पेंडेमिक विल बी मोर डेंजरस देन द पेंडेमिक टू बी एफ्टरमैथ जो होगा वो इसका इसलिए डेंजरस होगा कि बिकॉज अब हर आपकी इकोनॉमी टूट गई, हेल्थ सेक्टर खत्म है। हमारे एरिया में तो ये पता नहीं अब कश्मीर में क्या हालात है, मगर हमारे यहाँ एरिया में ये कहते हैं बेड बना दिए। अरे भाई, बेड पे पेशेंट को सोने थोड़ा हालात, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब मुझे बताओ, आपके हॉस्पिटल में आपने किसी इंटीरियर में भी, गांव में भी, पेरिफरी में भी 10-15 बेड लगा दिए जस्ट टू शो टू द मीडिया के भाई हम लोगों ने वहां बेड सोने के लिए लगाए हैं या ट्रीटमेंट के लिए? डॉक्टर तो है नहीं आपके पास। मैं अपने इलाके की आपको बताता हूँ, मंजाकोट सेंट्रली लोकेटेड तहसील हेडक्वार्टर है, मंजाकोट में आज की डेट में स्पेशलिस्ट तो छोड़ो, ब्लॉक है वो, वहां एक MBBS डॉक्टर भी नहीं है, वहां एक आयुर्वेदिक डॉक्टर NRHM का है, वो पूरे हॉस्पिटल को चला रहा है। बेड तो आपने लगा दिए, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, वहां सिलेंडर तक नहीं है, आपका वो कंसंट्रेटर वहां अवेलेबल नहीं है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो सोने के लिए बेड बनाने हैं, तो सोना तो इतना मतलब छत तो हर एक के पास है कि वो घर में भी सो लेगा। तो ये चीजें जो है, अब ये कहना कि ये ऑल ऑफ सडन है, उसके भी आई डिसएग्री विद इट, कि ये पेंडेमिक कोई ऑल ऑफ सडन नहीं है, इट हैज नॉट कम आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन। भाई पेंडेमिक हमको पहले जब वेव आई, हमें अपने आप को तैयार करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, दवाइयों के लिए आपने पहले प्रोविजन रखना था, आपने जब आपको सर पर पड़ी तो आप ढूंढ रहे हो वैक्सीन नहीं मिल रही है, अभी आप सुन रहे हैं हाहाकार मची है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये चीजें जो थी, ये हालांकि ये एक्सपर्ट पर छोड़नी चाहिए थी, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो पॉलिटिकल लोग हैं, उसमें चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, पॉलिटिकल लोग जो हैं दे आर ऑलराउंडर मल्टीफेरियस एक्सपर्ट्स,
वो मेडिसिन के बारे में भी वही डिसाइड करेंगे, इलाज के बारे में भी वही डिसाइड करेंगे, लॉकडाउन के बारे में भी वही डिसाइड करेंगे। तो सब डिसीजन जब आप एक्सपर्ट्स आप खुद बन गए सबके, इसमें डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स लोग पिछले 2 महीने से चिल्ला रहे थे कि भाई एक वेव आने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाओ, आप बंद करो इसको लॉकडाउन। जब लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी आपने लगा दिया, और जब जरूरत थी तब आपने मेले भी करवाए, इलेक्शन कंपेन भी करवाई, आपने टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए भी शुरू कर दिया, जबकि एक्सपर्ट्स ने आपको, दे पुट यू ऑन गार्ड कि भाई सेकंड वेव आने वाली है, लेकिन हमने नहीं देखा, हमने कुछ नहीं किया इसको, हम खुद ही एक्सपर्ट बने रहे, नहीं भाई लॉकडाउन नहीं लगाना है। तो वो ये चीजें जो थी ये उन एक्सपर्ट्स पे छोड़नी चाहिए थी, और उनसे राय लेकर उस पर अमल करना चाहिए था। चाहे हमारे यहां यूनियन टेरिटरी में भी, आपको बता, यहां भी एक ब्यूरोक्रेट जो है आईएएस ऑफिसर है, उसको क्या पता है भाई पेंडेमिक क्या है, इसके 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 असरात क्या है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है। वो कभी कंसल्ट नहीं करेगा किसी डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स की टीम्स को जो एक्सपर्ट हैं इसके, जिनको पता है कि भाई अगर लॉकडाउन लगाना है तो उसके उसके कंटूर्स क्या होंगे। तो ये एक बदकिस्मती हमारी रही है। दूसरी बात, हम ये कहें कि नहीं जी गवर्नमेंट की ये फेलियर नहीं है, वो भी नाइंसाफी है। गवर्नमेंट की सरासर ना फेलियर है इसमें। अगर आप कहोगे कि सिविल सोसाइटी खाना तो दे सकती है मगर वैक्सीन तो नहीं ला के दे सकती। सिविल सोसाइटी जाकर किसी भूखे को, बिल्कुल मुजफ्फर साहब मैं रोकना चाहूंगा जी। कुछ टेक्निकी कारण से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडियो के अंदर। आपसे मैं लास्ट सवाल लेना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल को होल्ड पर रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने अभी फरमाया हमारे इब्राहिम साहब ने कि आपका जो वाटर बिल से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या जो वो क्या नाम है औकाफ वालों का जो किराया है भाई, उसको फिलहाल बढ़ाने के बदले मैं कहता हूं कि उसको रोक लगानी चाहिए कि जिसकी दुकान ही बंद है बेचारे की, ये तो सबको पता है, तो उसको उसको आप किराए की मार ऊपर से डालेंगे, उसको बिजली का भी बिल आप मार डालेंगे, पानी का भी बिल डालेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी कमर पहले ही टूटी है, वो तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन सजेशन है कि सरकार को। दूसरी बात, डिस्कशन से हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, मगर हमारी इस डिस्कशन से गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंच सकती है कि लोगों की सफरिंग क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आज की डेट में इट्स अ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज हैविंग नो टच विद द ग्राउंड लेवल, वो ऊपर बैठे हुए ऊपर फैसला करते हैं। तो इसी सोशल मीडिया की डिस्कशन से, फेसबुक की डिस्कशन से, या ये जो आप पैनल डिस्कशन करते हैं, इससे आगाह किया जाता है सरकार के उन कॉरिडोर्स, पावर कॉरिडोर्स तक ये बात पहुंचती है कि लोगों की सफरिंग क्या है। अब वो एक्शन क्या लेते हैं वो उन तक है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग कंसर्न्ड हैं, और जो लोग इस काबल हैं कि वो सजेशन दें, तो वो सजेशन अच्छी बात है। इस पैनल डिस्कशन से कम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी कि कहां हम लोग लैक हैं, हम लोग पीछे कहां हैं, कहां हमारी जो नाकामियां हैं उन नाकामियों को वो दूर करें। इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कि भाई हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं, हम गवर्नमेंट को आगाह कर रहे हैं कि नहीं, आप अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और इससे आगे जो हालात आने वाले हैं वो शायद इससे ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं हमारे। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया आरएनए के साथ बात करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। इकबाल लोन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इब्राहिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज हमें थोड़ी दिक्कत नेटवर्क के कारण या टेक्निकी कारण से, क्योंकि आज बारिश जम्मू में भी हो रही है, इस वक्त भी आंधी का मौसम है, आप देख रहे हैं मेरे स्टूडियो की लाइटें जो है वो बंद हो चुकी है, नहीं तो डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखते, तो फिर इंशाल्लाह एक नए मुद्दे के साथ मैं आपका मेजबान महमूद ख्वाजा जरूर आपके साथ हाजिर रहूंगा। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम, आरएनए की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।